सर, गुड मॉर्निंग सर. आज तो बड़े ठंडे से ग्लोबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे मार्केट्स के लिए अब कोई रेंज अलग होगी, रणनीति अलग होगी निफ्टी बैंक निफ्टी में सर? गुड मॉर्निंग नेहा. देखिए, मिले जुले संकेत है हल्की सी कमजोरी की तरफ के, क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देने की उम्मीद कर रहे थे. 250 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके सामने हम नीचे बंद हुए लगभग 7500 पॉइंट नीचे. तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा एडजस्ट करने की बाजार कोशिश करेंगे. दूसरा ये कि कच्चा तेल भी $105 पर आया है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा है. वहीं सामने डॉलर इंडेक्स से राहत है थोड़ी सी, और FIs के आंकड़े हमारे बेहतर आते हुए दिखे, यानी कि आपके पास दोनों तरह के ट्रिगर्स है, अच्छे भी और थोड़े कमजोर भी. अब हम कल जहां पहुंचे वो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, 16,200-16,300 के पास पहुंच कर बार बार लगता है कि बाजार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है एक बार फिर से और इंतजार करना पड़ेगा. तो आज कमजोर शुरुआत होगी, और कमजोर शुरुआत होने के बाद 16,050-16,150 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर निफ्टी अगर आता है तो खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए. बायोडिप्स का मार्केट रहेगा तो इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करें. जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी उतना बेहतर होगा आपके लिए मौका खरीदारी करने का. ऊपरी स्तरों पर 16,350-16,425 वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है बाजार, बशर्ते कि आप 16,300 के पार निकलकर टिकते हुए नजर आए. अदरवाइज 16,275-16,300 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज पहले होगी, इसको पार करने पर 350-425 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है. अब आइए बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अपने 10 जुलाई के हाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी 35,000 के पार होकर अब ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सपोर्ट रेंज बदली है, और सपोर्ट होगा आपके लिए आज 35,025-35,125. इस रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी पर हल्की फुल्की रुकावट की जगह जो है वो है 35,475-35,550. इसके पार निकलने पर बैंक निफ्टी में फ्रेश मजबूती आती दिखेगी, जिसकी संभावना थोड़ी सी आज कम दिखती है लेकिन आने वाले दिनों में बन सकती है. पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी रेंज पकड़ के चलनी है और रणनीति क्या होगी. तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट अभी भी बरकरार है, बस रेंज पे थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा. 16,050 से 150 ये निफ्टी में आज सपोर्ट रेंज का काम करेगा. अपर बैंड 16,350 से 425 होगी. प्रॉफिट बुक करने की अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाएगी. इसी तरह निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 35,025 से 125 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको कुछ खरीद का मौका मिल सकता है जब मार्केट खुलेंगे थोड़ा डिप डाउन लेकर अगर खुलते हैं तो. एंड अपर बैंड जो रेजिस्टेंस आ जाए वो 35,475 से 550 ये एक ऐसी बैंड होगी जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इस लेवल पर रहेगी नजर. ब्रॉडर मार्केट्स में तो जान लिया क्या कुछ करना है, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन रहने वाला है.